जाती हूँ, तो जैसे इसके खिलौने के साथ मैं भी खेलने लग जाती हूँ और मुझे भी अपने बचपन के दिन याद आते हैं। लेकिन डेफिनेटली मेरे बचपन में ये सारी चीज़ें नहीं थी, इसके बचपन में है, तो बहुत खुशी भी होती है आजकल के बच्चों के लिए और बहुत मज़ा भी आता है। तो कई बार ये होता है कि जब जैसे आरा की फेवरेट है सिंड्रेला, तो मैं उसे सिंड्रेला की तरह ड्रेसअप करती हूँ, तो मेरा मन करता है कि मैं भी सिंड्रेला की तरह ड्रेसअप हो जाऊँ। तो बच्चों के साथ बच्चा बनने में आई थिंक हर किसी को मज़ा आता है और वो मज़ा मैं भी। बिग बॉस की दुनिया में मेरे लिए प्रिंसेस, घर के बाहर मेरी बेटी आरा ही रही है और घर के अंदर मेरी सबसे प्यारी दोस्त प्रत्युषा रही है। शी इज़ माई प्रिंसेस और वो हमेशा रहेगी। घर से बेघर होने वाली थी तब मुझे सलमान ने कहा था कि क्या कसर रह गई है, तो मैंने कहा था उसी वक्त मुझे एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करने की एक ट्रॉफी मिली थी, तो मैंने कहा इसके बाद वो ट्रॉफी को मैंने पकड़ा और मैंने कहा कि इसके बाद कोई कसर नहीं रह गई। तो अपनी मर्जी से सकते हो लेकिन जा अपनी मर्जी से नहीं सकते, और अगर आपको अपने आप को सजा देनी है तो बिग बॉस के घर चले जाओ। ये मैं अंदर रहती तब कहती थी, लेकिन बाहर आने के बाद मुझे खुद को यकीन नहीं होता अपने आप पर। मैं उस घर को मिस करती हूँ, मैं उस घर के माहौल को मिस करती हूँ, उस घर की किचन को मिस करती हूँ। वहाँ पे रोज़ सुबह जब साथ में ब्रश करते थे एक साथ, मैं वो मोमेंट मैं मिस करती हूँ। तो हाँ, मैं मिस करती हूँ बिग बॉस के घर को, और दोबारा जब भी मौका मिलेगा मैं डेफिनेटली जाऊँगी। गौहर मेरी फ्रेंड नहीं, मैं आई थिंक मैं खुशहाल से ज़्यादा अटैच्ड हूँ गौहर से नहीं, तो आई वो उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। आप मेरे बारे में पूछना चाहे तो मुझे पूछो। थैंक यू ऑल, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर। मेरे बच्चों का मैं बहुत अच्छा फैन हूँ, और मेरे बच्चे नहीं, मैं भी डिज्नी सारी प्रिंसेस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि डिज्नी ने सारी प्रिंसेस को यहाँ लेकर आया और हमारे बच्चों को और मुझे मौका मिला उनसे मिलने के लिए। डिज्नी प्रिंसेस तो बहुत सारी है, बट मेरी फेवरेट रुपांजल है, क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे हैं, उसकी जो बैक स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं हमेशा रुपांजल की फिल्म अगेन एंड अगेन देखती रहती हूँ। मेरे घर में 24/7 मतलब जब भी ये स्कूल से आते हैं तो वही एक घर में कार्टून चल रहा होता है और एक रूम में डिज्नी चल रहा होता है, तो देन आई हैव नो चॉइस बट वॉच देम, सो आई लाइक। मुझे तो कामयाब लगी बिग बॉस की प्रिंसेस, बिकॉज एवरीबडी वॉज गुड, लेकिन जैसे मैं और कामयाब बैठ के हम लोग इतनी बातें कर रहे थे, आई लाइक शी बीइंग स्ट्रॉन्ग वुमेन, जिस तरह से उसने अपने आप को कंडक्ट किया और अपने आप जिस तरह से अच्छी तरह से गेम खेला, उसकी रेपुटेशन अभी भी अच्छी है, तो माई वोट फॉर मी कामयाब वॉज अ प्रिंसेस। थैंक यू, थैंक यू।